तो आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन के लड्डू। आप देखिए बेसन के लड्डू आपके बिल्कुल ऐसे ही बनने वाले हैं। और पिछली वीडियो में मैंने जो बेसन के लड्डू बनाए थे उसमें बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम हमारे लड्डू गीले हो जा रहे हैं, बुरा क्या होता है। तो इस वीडियो में आपके मैं सारे डाउट क्लियर करने वाली हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं सुषमा आपका सुषमा की रसोई में स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बूरा बना के तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने लिया है 3 कप चीनी ली है मैंने, नॉर्मल जो चीनी घर पे होती है वही चीनी है। 3 कप चीनी ली है मैंने यहाँ पे। आप एक बर्तन सेट कर लें और उसी से सारे मेजर लें। और उसके साथ लिया है मैंने 1 कप पानी, यानी 3 कप चीनी तो 1 कप पानी। तो यहाँ पर अब इसको हम मेल्ट करेंगे चीनी को। तो हाई फ्लेम पर आप चीनी को मेल्ट कर लें, यहाँ पर इस तरह से चलाते हुए मेल्ट करना है चीनी को। छोड़ेंगे तो चीनी जो है वो जल जाएगी और फिर वो हमें जला हुआ नहीं चाहिए, क्योंकि बुरा फिर बूरे का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमें लगातार चलाते हुए इसको मेल्ट करना है। यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच देसी घी। देसी घी इसलिए डाल रहे हैं ताकि जब बूरा बने तो उसमें जो गांठे हैं वो ज़्यादा टाइट ना हो, तो इसलिए यहाँ पर देसी घी डाल रहे हैं। अब देसी घी को इसमें हम मेल्ट कर लेंगे। और ये देखिए बूरे का कलर अब यहाँ पे जो है चाशनी जो है चेंज हो रही है। और ये देखिए एकदम इसमें झाग आना शुरू हो गया है, एकदम वाइट कलर हो रहा है चाशनी का यहाँ पे। तो इसी तरीके से चलाते हुए हमें हाई फ्लेम पे इसको अच्छे से पकाना है। और कैसे पता चले कि यहाँ पे ये चाशनी जो है तैयार हो चुकी है बूरा बनने के लिए, तो थोड़े से पानी में यहाँ पर मैंने कुछ ड्रॉप्स डाल के देखी हैं। तो देखिए देखते हैं कि ये यहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ नहीं है अभी यहाँ पर बूरे के लिए। तो अभी ये एकदम से गीला गीला है, तो दोबारा इसको थोड़ी देर हम और पकाएंगे। तो हाई फ्लेम पे इसको पका लेंगे यहाँ पे इस तरीके से बीच बीच में चलाते हुए। ये देखिए चाशनी का जो कलर है एकदम वाइट ही है। दोबारा से डाल के देखते हैं यहाँ पे, थोड़ी देर इसको रखेंगे, थोड़ा सा ठंडा करेंगे, फ्लेम को लो पे कर दें इस टाइम। और यहाँ देखिए तो ये अभी भी नहीं हुआ है, अभी भी गीला है यहाँ पे, इस तरह से लिक्विड फॉर्म में हो रहा है। अभी भी हमें इसको थोड़ी देर और पकाना है। तो हाई फ्लेम पे इसको पका लें अच्छे तरीके से और जो चाशनी है एकदम गाढ़ी होने लग जाएगी। तो कुछ ड्रॉप और डाल के देखते हैं, थोड़ा सा ठंडा कर लें फिर हम देखेंगे। तो ये देखिए अब ये बॉल की तरह यहाँ पे बन रही है इस तरीके से। तो हमें यहाँ पे इतना ही चाहिए, गैस को बंद कर देंगे और इसको लगातार चलाते हुए ठंडा करना है। तो यहाँ मैंने प्लेटफॉर्म पे उतार लिया है और इसको लगातार चलाते हुए ठंडा करना है। वीडियो मैंने बिल्कुल भी यहाँ पे काटी नहीं है, स्किप नहीं करी है। तो आप वीडियो को यहाँ पे ध्यान से देखिए कैसे यहाँ पे थोड़ी देर में बूरा बन जाएगा। तो लगातार चलाते हुए इसको आपको ठंडा करना है और कुछ ही देर में यहाँ पे देखिए बूरा बनने लग जाएगा। तो ये ठंडा होता जा रहा है और बूरा बनता जा रहा है। बूरा घर पे बनाना बहुत ही आसान है, मुश्किल से इस रेसिपी को बनाने में आपको 10 मिनट लगेगा और ये फटाफट से बनके तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कैसे ये जो चीनी है यहाँ पे गाढ़ी होती जा रही है, बूरा यहाँ पे बनता जा रहा है। लड्डू में हम बूरा इसलिए यूज़ करते हैं, जो बूरा के जो दाने होते हैं वो लड्डू में आते हैं, अगर आप इसमें चीनी का पाउडर डालेंगे तो वो गीला हो जाएगा और लड्डू जो आपके हैं वो बनेंगे नहीं ढंग से, इसलिए हम यहाँ पे बूरा डालते हैं लड्डू में। तो यहाँ देखिए बूरा देखिए बनके तैयार है और यहाँ जो गांठें आ रही हैं उसको फोड़ लें आप तुरंत। और यहाँ देखिए अगर ये फूट नहीं रहे हैं तो आप एक बार उसको मिक्सी में चला लें। और ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से फोड़ लिया और ये देखिए बूरा बनके तैयार है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा इसको बनाने में। तो चलिए अब लड्डू बनाते हैं। तो गैस पर कढ़ाई चढ़ा ली है मैंने, यहाँ पर 1 कटोरी मैंने देसी घी लिया है, थोड़ा सा घी मैं बचा ले रही हूँ, अगर ज़रूरत लगेगी तो डालेंगे। लगभग मैंने पूरा ही 1 कटोरी घी डाल दिया, बिल्कुल ज़रा सा 1-2 चम्मच के करीब मैंने बचाया है। घी यहाँ मेल्ट हो गया है और 1 ही कटोरी मैंने यहाँ पे लिया है बेसन। तो जितना आप घी ले रहे हैं उतना ही बेसन लें, या जितना बेसन ले रहे हैं उतना ही घी लें, दोनों की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। अब इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए अच्छे से भुनना है। तो यहाँ मैं सबसे पहले इसको अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, अब इसको लगातार चलाते हुए हमें इसको भुनना है। इसको भुनने में कम से कम आपका 25 से 30 मिनट जाएगा, लो टू मीडियम फ्लेम पे भुनना है इसको, जलाना नहीं है। और हो सके तो आप इसमें नॉनस्टिक कढ़ाई का ही यूज़ करें, इससे क्या होता है जो बेसन है वो जलेगा नहीं, लगेगा नहीं, चिपकेगा नहीं। तो यहाँ देखिए ये कैसे गीला हो गया है। कई लोग मेरे से मैम बोलते हैं लड्डू बनाते वक्त हमारा जो बैटर है वो गीला हो गया, गीला तो ये होगा ही जितना आप इसको भुनेंगे, मैंने बीच में कोई भी ऐड नहीं किया है, भुनते भुनते ये एकदम गीला हो जाता है। ये आप बात को ध्यान रखिए, एक पॉइंट पे जब ऐसा समय आएगा कि बेसन
इसे लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो और ये देखिए कलर चेंज भी हो गया है बुनते बुनते। अब मैं यहाँ पे कुछ पानी के छिट्टे मार रही हूँ, जो बेसन में जो दाने आते हैं ना खाने में बेसन के लड्डू में, ये उसी से ही आएगा। तो कुछ छिट्टे मैंने यहाँ पे पानी के मारे हैं, ये करना बहुत ज़रूरी है। अब इसको हम यहाँ पे, तो अब इसको हमें पकाना है इस तरीके से जब तक इसमें झाग नहीं बंद हो जाए। तो फ्लेम को मैंने मीडियम पे ही रखा हुआ है, भूनते भूनते इसका कलर चेंज हो जाएगा और अच्छे से देखिए इसमें एक महक आने लगेगी। और इसको झाग आने तक हमें इसको लगातार चलाते हुए इस तरह से भुनना है। तो ये आप देख सकते हैं झाग जो है इसमें कम होना शुरू हो गया है। इस तरीके से आपको जल्दी जल्दी हिलाना है यहाँ पर, और जब तक झाग ना बंद हो जाए तब तक इसको हमें यहाँ पे चलाते रहना है। तो आप देख सकते हैं झाग जो है अब कम होने शुरू हो गए हैं और झाग यहाँ पे एकदम ही कम हो चुका है। और ये देखिए दाने आपको दिख रहे होंगे। तो आपको यहाँ पे इसको 25 से 30 मिनट भूनना बहुत ज़रूरी है लो टू मीडियम फ्लेम पे। और अब मैंने गैस को बंद कर दिया है, अब इसको मैं थाली में निकाल लूँगी। यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कितना लिक्विड फॉर्म है इसका, बैटर का इसी तरह से लिक्विड फॉर्म में ही रहता है। कई लोग मुझसे बोलते हैं मैम हमारा जो बैटर एकदम गीला हो गया, लड्डू नहीं बन रहे। तो लड्डू इस टाइम नहीं बनेंगे, बैटर थोड़ा सा ठंडा होगा तब लड्डू बनने शुरू होंगे। तो अब देखिए इसको मैं जल्दी जल्दी ठंडा कर रही हूँ इस तरह से लगातार चलाते हुए। कुछ देर में थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। तो ये देखिए ये थोड़ा सा टाइट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ आधा चम्मच डाल रही हूँ यहाँ पे इलायची पाउडर। इलायची पाउडर ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप डालें। और जो बूरा मैंने बना के रखा था तो एक कटोरी मैं वो डाल रही हूँ। तीनों चीज़ मैंने सेम क्वांटिटी में ली है, एक कटोरी घी, एक कटोरी बेसन और एक कटोरी बूरा। तो अब देखिए इसे मिलाना शुरू करेंगे, थोड़ा सा आप ठंडा कर लेंगे तब जब आपका लड्डू बनने लगेगा और इस तरह से गीला नहीं होगा। आप तुरंत इसमें बूरा मिला देंगे तो वो गीला हो जाएगा और बूरा भी जो है उसमें मिक्स हो जाएगा, तो और वो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा ठंडा करके जब तक बेसन जो है छूने लायक सहन करने लायक ना हो जाए इसका जो गर्माहट है, तब तक हमें इसको थोड़ा सा ठंडा करना है लगातार चलाते हुए, छोड़ना नहीं है उसको, ठंडा करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ठंडा कर लिया, बूरा भी मिला लिया और ये देखिए लड्डू जो है अब इससे बनने शुरू होंगे। तो एक मैं ट्रिक आपको इसमें और भी बताऊंगी कि लड्डू आपके किस तरह से गोल बने बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए पहले अच्छे से बूरे को मिक्स कर लें इसमें। तो मैंने इस रेसिपी में आपको बूरा भी बता दिया कैसे बनाना है, तो आपकी आई होप सारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी होंगी। तो यहाँ पे पहले मैं अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। तो यहाँ मैंने जो है मिक्स कर लिया, अब लड्डू बनाते हैं। तो ये देखिए लड्डू मैं जब बना रही हूँ तो अभी तो थोड़ा सा गीला लग रहा है, इसकी अच्छे से शेप नहीं आ रही है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सारे लड्डू बना के आपको रख लेना है। ये देखिए शेप नहीं आ रही है इसकी, ढीला ढीला सा लड्डू हो रहा है। तो इसका आपका क्या इसका सोल्यूशन है, आपको सारे लड्डू बना के रख लेने हैं। तो यहाँ पर मैं सारे लड्डू बना के रखूँगी। तो यहाँ देखिए बिल्कुल भी इसमें शेप नहीं आ रहा है, कितना भी मैं इसको गोल गोल घुमा रही हूँ, कितना भी इसको कुछ कर रही हूँ लेकिन शेप नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी ये गीला है। और यहाँ देखिए मैंने अब इसको सारे लड्डू बना लिए हैं और थोड़े ठंडे हो गए। अब इसको आप रोल करेंगे तो ये देखिए परफेक्ट शेप आएगा इसमें एकदम। ये देखिए एकदम आ रहा है परफेक्ट शेप। तो थोड़ा सा जब ये ठंडा हो जाएगा तो उसका शेप एकदम परफेक्ट आएगा। तो इसी तरह से मैं यहाँ पर सारे लड्डू बना के तैयार करूँगी। ये देखिए कितने गोल गोल लड्डू बनके तैयार हो रहे हैं यहाँ पे। तो इसी तरीके से आप भी लड्डू घर पे बना सकते हैं बेसन के, बहुत आसान है इसे बनाना। और देखिए कहीं से भी ढीला नहीं है, कहीं से भी लूज़ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैं सारे लड्डू इसी तरीके से बना के तैयार करूँगी, बहुत आसानी से यहाँ पर ये रोल हो जाएगा। तो इस तरीके से सारे लड्डू बना लेंगे और आई होप अगर आप एक बार दोबारा आप ट्राई करते हैं तो आपके लड्डू परफेक्ट बनेंगे अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो। तो यहाँ मैं सारे लड्डू बना के तैयार कर ले रही हूँ और आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि अंदर से दानेदार है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं लड्डू अंदर से कैसा दिख रहा है बनने के बाद। तो एक लड्डू को तोड़ते हैं तो आप ये देखिए कितने दानेदार लड्डू बनके तैयार हुआ है और एकदम हलवाई से भी अच्छा बनके तैयार हुआ है। एक बार आप इसको ज़रूर बना के ट्राई करें, आई एम श्योर आपके लड्डू एकदम परफेक्ट बनके तैयार होंगे। और अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को आप ज़रूर लिख के बताएं। थैंक यू।